लोग ये बोलते रहते हैं और ये समझ लेते हैं कि क्योंकि बोनी कपूर श्रीदेवी कपूर की बेटी है तो लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल गया ये अज्यूम कर लेते हैं लेकिन मेरा कहना ये है कि फिर ये भी अज्यूम कर लो कि मेहनत करना ईमानदारी से काम करना और मेरे कला के लिए और सिनेमा के लिए जान लगा के काम करना भी मेरे खून में है हाँ बचपन से ही हुआ है बचपन से अगर एग्ज़ाम में मुझे फुल मार्क्स मिल गए तो मैं इसलिए मिले क्योंकि वो टीचर तुम्हारी माँ की बड़ी फ़ैन थी आई थिंक एक अनहेल्दी चीज़ जो मैंने की थी मम्मा के बाद जो आई थिंक प्यार और एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन मुझे आ, ममा से चाहिए थी आ, मेरे एक्टर बनने के बाद और फिर वो नहीं थी मैंने वो प्रेशर ऑडियंस पे डाल दिया था मैं वो उनसे ढूंढने लगी थी और जब उन्होंने थोड़ा सा ठुकराया मुझे जो झटका मिला आई थिंक इट इट शुक मी आप मोर देन हैव अक्सर कहा जाता है कि अगर आप एक फिल्म परिवार से हैं तो आपके लिए आसान होता है आसान बेशक होता है पर उसके बाद आपको बहुत सारा जजमेंट भी फेस करना होता है आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने जजमेंट तो बहुत सारा बैटल किया बट आई थिंक उन्होंने अपने डिटेक्टर्स को रॉन्ग भी प्रूव किया है विथ हर रीसेंट परफॉर्मेंसेज जॉइनिंग इन कॉन्वर्सेशन टूडे ओनली ऑन बी बी सी हिंदी कपूर कि एक दौर ऐसा भी था जब आपने खुद को भी है, है। है।

आज वही लोग आके कमेंट्स लिखते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी बेहतरीन अदाकारा है मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा कि लोग मुझे जज कर रहे हैं मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि आ, मैंने कहीं ना कहीं उनको लेट डाउन किया था आ, मेरी पहली फिल्म के साथ आई थिंक कि शायद वो अंडू प्रेशर था शायद Uh, मैं ठीक तरह से परख नहीं पाई कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए दे वो लॉट ऑफ थिंग्स दैट मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया डे वन से आज तक मैं मेहनत ही कर रही करती आ रही हूँ और uh, अगर लोगों को वो दिख रहा है अभी फाइनली या उनको मेरा काम पसंद आ रहा है देन uh, मतलब मैं जो भी करी उनके लिए कर उनके प्यार के लिए कर रही हूँ तो फाइनली जब वो प्यार महसूस करती हूँ तो इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड पर बचपन से ही एक्टिंग का शौक था हाँ बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ था आ, लेकिन बीच में ऐसे लगने लगा था कि, कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि हर इंसान जब भी मैं किसी से भी मिलती थी कहते थे कि अरे आपको तो एक्टर बनना है कब बन रही हो एक्टर क्या तैयारी हो रही हो तो मुझे ऐसे लगता था कि ये लोग कौन होते हैं डिसाइड करने के लिए कि मैं एक्टर बन रही हूँ मतलब मेरे बोलने से पहले ही इन लोगों ने तय कर लिया कि मैं बनने वाली हूँ तो वो एक रिबेलियस दौर चला था जहाँ मैंने कहा नहीं मैं डॉक्टर बनूँगी ना या मैं आर्क्योलॉजिस्ट बनूँगी फिर आई रियलाइज कि आई एम रियली नॉट स्मार्ट एन ऑफ नो दैट्स नॉट ट्रू आई जस्ट रियलाइज कि सिनेमा मेरे खून में है यू नो लोग ये बोलते रहते हैं और ये समझ लेते हैं कि क्योंकि बोनी कपूर श्रीदेवी कपूर की बेटी है तो लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल गया ये अज्यूम कर लेते हैं लेकिन मेरा कहना ये है कि फिर ये भी अज्यूम कर लो कि मेहनत करना ईमानदारी से काम करना और मेरे कला के लिए और सिनेमा के लिए जान लगा के काम करना भी मेरे खून में है सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ वो एंड आई थिंक दैट अगर लोग वो मेरे बारे में समझ पा रहे हैं धीरे धीरे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है बट क्या आप अग्री करोगे कि बिकॉज आपने जैसे कहा कि आपकी फैमिली सिर्फ आपके मम्मी पापा नहीं आपकी फैमिली बहुत सारे लोग इट्स इट्स वन ऑफ़ द फर्स्ट फिल्म फैमिलीज वन ऑफ़ द फर्स्ट फिल्म फैमिलीज तो आपको कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे आसानी हुई या फिर एक प्रिविलेज था ऑफकोर्स मुझे पहले तो वो सर्वाइवल इंस्टिंग ऑफ ऑडिशंस के भाग दौड़ में लग के ये टेंशन लेना कि uh, बॉम्बे में कैसे सवाइव करूं वे डू आई फाइंड रूफ ओवर माई हैड खाना कहाँ से ये बेसिक स्ट्रगल्स नहीं थे मेरे कहाँ जाऊँ किससे मिलूँ ये स्ट्रगल्स भी नहीं थे क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ऑडिशन करना है तो ये 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 फिल्म बन रही है ये डायरेक्टर से मिल सकती हूँ um, ये यहाँ uh, यहाँ जाके ऑडिशन दे सकती हूँ वो इंफॉर्मेशन था और मैं जब ऑडिशन् मैं ट्रेन पकड़ के दूर दूर से नहीं जा रही थी मैं मेरे कम्फर्टेबल गाड़ी में मेरे कम्फर्टेबल घर से वेटरन एक्टर और प्रोड्यूसर के एडवाइस लेकर जा रही थी तो ये प्रिविलेज था और क्योंकि मेरे माँ बाप ये इंडस्ट्री से थे उनकी जानकारी भी थी इन लोगों के साथ तो वो मीटिंग्स आसानी से होती थी तो हाँ मैं मैंने ऑडिशन किया है मैंने बहुत सारे फिल्मों के लिए ऑडिशन किया मैंने करण के साथ ऑडिशन किया था लेकिन वो एक कंफर्टेबल सेटिंग था कौन से फिल्म के लिए अपार्ट फ्रॉम धड़क के लिए yeah, और yeah. उससे पहले एक और फिल्म थी जो uh, किसी और के साथ बन गई फिर um, लेकिन हाँ धड़क के लिए फिर शशांक के साथ ऑडिशन किया तो हाँ ये मेरा प्रोसेस रहा है तो ऑफकोर्स बन सर्टन अमाउंट ऑफ प्रिवरेज बट बट यू नो आई से आपने वो कहावत सुनी है कि राइट ना समाट दाइम तक हमें या फिल्मी किड्स को बहुत आसानी से बहुत कुछ मिला है एंड नाउ अज अस अगेंस्टलीव टू एक्सेप्टर अ लॉन्ग टाइम अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिटस अगेंस्ट पीपल हुई ये दौर चल रहा है कि हमें बैक सीट लेके वी नीड टू बे द्रांट ऑफ पब्लिक स्टूटनीइन एटलीस्ट मौका तो मिल रहा है और अगर सिर्फ इट वॉज

तो वो बायस के लिए सब सोचेंगे कि अरे यू you नो know, इनको तो इसीलिए मिला क्योंकि ये उनकी बेटी है बचपन से ऐसा हुआ है कभी हाँ बचपन से ही हुआ है बचपन से अगर एग्ज़ाम में मुझे फुल मार्क्स मिल गए तो मैं इसलिए मिले क्योंकि वो टीचर तुम्हारी माँ की बड़ी फ़ैन थी तो वो स्टिग्मा हमेशा से रहा है वो दैट फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस हैज़ ऑलवेज बिंद देयर और अभी बहुत टाइम के बाद मेरे काम के जरिए Um, मेरे कला के जरिए मुझे एहसास होने लगा है कि नहीं आई एम नॉट वर्थलेस मैं कुछ ला आई आई ब्रिंग समथिंग टू द टेबल एंड होपफुली मिली देखने के बाद um, लोगों को लगेगा कि नहीं है ये ये फिल्म उससे इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ये इनकी बेटी है आई थिंक होपफुली दिल फील कि ये परफॉर्मेंस ऐसे सिर्फ आई डोंट नो इट फील्स जैसे मैं खुद का ढंडोरा पीट रही हूँ बट आशा है यही है कि लोगों लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं बट जानवी दी जा, मुझे ये भी बा, बात कहनी है लोगों के सामने कि मुझे याद है गुड लक जेरी हमने सबने साथ में देखा था ऐसा नहीं है कि किसी भी एक किसी भी एक मीडिया वाले को पसंद नहीं आया था ऐसा नहीं था एंड एवरीबडी कैन वाउच फॉर इट आप पोलैंड में शूट कर रही थी और आपको मैंने कॉल किया था बट आपका फर्स्ट रिएक्शन था डिसबिलीफ का जब मिली के लिए भी मैंने आपको फोन किया ट्रेलर जब आया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन डिसबिलीव का होता है आई एम नॉट सेइंग सेइंग इट इट आई एम नॉट फॉर यू बट मुझे ये जानना है कि ये क्या ये आपको लगता है कि ये इन सब चीज़ों का बैगेज है जहाँ पे आपको बिलीव करने में ये जो प्यार मिल रहा है ये बिलीव करने में थोड़ा टाइम लगता है डर course, है बस ऑफकोर्स बैगेज है इन सब चीज़ों का आई थिंक जब भी कुछ शाबाशी मिलती है या ये मिलती है मेरा पहला थॉट ये है कि कि किसी ने करवाया है क्या या uh, पापा का कोई जानने वाला है क्या या ये सो आई ऑलवेज डाउट इट माई सेल्फ बिफोर इवन द पब्लिक सो आई थिंक आई कैरी दैट बैगेज विथ मी अ लॉट एंड आई थिंक स्लोली स्लोली थिंग्स हैव हैपन जहाँ वो डाउट का स्कोप ही नहीं है uh, जिस तरह का प्यार आई थिंक जेरी के लिए मिला था आई डोंट थिंक कोई uh, वो झूठ बोल के दे सकता है आई थिंक आई आई कुड गेज के नहीं ये सही लग रहा है और सेट्स पे जब मैं आम, नितेश सर या शरण जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ या आनंद सर के साथ काम कर रही हूँ और वो मुझे कुछ चीज़ें बोलते हैं आई फील कि नहीं उनको क्या मिलेगा hmm. मेरा मन रख के शायद मैं कर रही हूँ कुछ सही सो आई थिंक धीरे धीरे वो विश्वास खुद पे आने लगा है मिली एक सर्वाइवल की स्टोरी है मिली प्रोड्यूस मिली के प्रोड्यूसर आपके पापा खुद है आ, मिली एक बहुत ही बेहतरीन साउथ मूवी का रीमेक भी है तो एक प्रेशर ऑफ कोर्स वहाँ पे रहता है बट क्या आपको बीच में क्या आपने कभी डिस्कस नहीं किया क्या आपके पापा ने कभी आपको नहीं कहा कि आ, मैं आपके लिए एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर देता हूँ ऐसा डिस्कशन हुआ या क्या आपने रोका उनको या फिर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं क्योंकि अर्जुन के साथ भी सेम हुआ था उन्होंने कुछ मूवीज़ किए फिर उन्होंने एक तेवर की थी जितना मुझे याद है आई थिंक पापा ही शुरू से काफ़ी क्लियर थे कि बिकॉज आई थिंक इवन ही इज़ वेरी कॉन्शियस कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि खुद के बच्चों के लिए लॉन्च वो, वो बहुत ही इजी आसान और कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव सेटअप हो जाता है पापा बहुत जज्बाती किस्म के आदमी हैं तो वो बहुत आई थिंक आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे दैट इट तो हाँ वो काफ़ी क्लियर थे कि मेरी पहली फिल्म उनके साथ नहीं होगी और मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मुझे क्या करना और लक के लिए धड़क वर्कड आउट जैसे आपने कहा कि बोनी सर बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल है आपने एक डिफेंस बना लिया है आप को अगर बुरा भी लगता है तो लोग देख नहीं पाते वो तो शायद इसीलिए लोगों को लगता है कि कि आपको आपको बुरा लगता ही नहीं है है आप बट जो लोग आपको जानते हैं उनको पता है कि आपको थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत बुरा लगता है और थोड़ा क्या ज्यादा आप भी इमोशनल हो सेंटिमेंटल हो बट वो साइड उतना बाहर नहीं आता सोशल मीडिया पे पर क्या आपके बारे में जो लिखा जाता है कहा जाता है कभी कभी आपके पापा को बहुत इफेक्ट करता है जो लिखा जाता है वो उनको इफेक्ट नहीं करता लेकिन जो अगर मैं उन चीज़ों पे विश्वास करने लगती हूँ तो वो उन्हें अफेक्ट करता है जैसे कि जैसे कि जब गुंजन रिलीज़ हुई थी ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग वो एक बहुत अच्छी फिल्म hmm. है yeah. और हाँ मेरी परफॉर्मेंस में कई कमियाँ थी लेकिन ऑब्जेक्टिवली आई थिंक इट कैन बी कंसिडर्ड एन अब एवरेज परफॉर्मेंस एट लॉस्ट बट दे लॉट ऑफ पीपल क्योंकि आई थिंक उस तौर पर वो, वो वेव बहुत बड़ा चल रहा था एंटी नेपोटिज वो सब चीज़ों का एंड आई थिंक सम कमेंट्स दैट आई टुक वेरी सीरियसली लाइक लाइक रियली डार्क कमेंट्स डूड लाइक थैंक गॉड ये फिल्म देखने से पहले इनकी मांगो लाइक लाइक रियली डार्क थिंग्स एंड आई रिमेंबर रीडिंग दैट एंड अफेक्टेड बाईट सीएंगी अफेक्टेड बाई दैट पपा वु गेट अप सेट सीएंग एंड देन आई डो सम फिल्म

ट्रोलिंग um, सिर्फ काम तक नहीं रुकती पर्सनालिटी पे भी अटैक्स होते हैं और कभी कभी पर्सनालिटी बॉडी टाइप सब कुछ पे कपड़ों पे कैसे बात कर रहे कैसे बैठ रहे कैसे क्या कर रहे सब कुछ पे कमेंट्स होता है और मुझे पता है कि कह, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट होता है राइट right? um, क्या एक डिफेंस बना लिया है जहाँ पे आप दिखा देते हो शील्ड करके कि नहीं मुझे अफेक्ट नहीं हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं यू गॉट एन यूज टू दिस ट आई थिंक दिखा दिखा के अफेक्ट के नहीं होता है अभी धीरे धीरे अफेक्ट नहीं होता है मुझे अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए तो मतलब मैं थोड़ी ना आपको पहना रही हूँ मैं खुद पहन रही हूँ सो आई आईट मैं खुद के लिए ड्रेसअप कर रही हूँ मेरे पापा को प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हो एग्जैक्टली exactly. और आज अभी देखिए आपके फैमिली एक फैमिली बढ़ गई है तो मैंने अर्जुन से भी बात की है और अर्जुन आ,

इतने अच्छे आई थिंक सच प्योर पीपल एंड इन वैल्यूएबल पीपल दैट आई एम सो थैंकफुल के जो भी कैपेसिटी है वो मेरे जिंदगी में है एंड या yeah, तो आई आई हैव टू मोर पीपल टू गिव लव टू एंड टू गेट लव फ्रॉम एंड दैट्स हाउ इट इज अगर उनसे एक एक क्वालिटी आप आ, लेना चाहोगे हर एक मेंबर yes. से मतलब वेदर इज़ अर्जुन बोनी सर खुशी तो आप क्या क्वालिटी इम्बाइव करना चाहोगे जो आपको लगता है कि काश ये क्वालिटी मेरे में होती अंशुला सॉरी अंशुला दीदी से आई थिंक हाउ हाउ इंटेलिजेंट शी इज बट सो थिंक शी इज सो इंटेलिजेंट इज सच एन एफिशिएंट लाइक शी इज सो केयरिंग अबाउट अदर पीपल एंड शी इज सो एफिशिएंट इन थिंग्स बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक हर इंटेलिजेंस

He has only sent his selfies, him in different suits, him dancing somewhere. The old pictures. No, now. Nah. No, no. Oh, wow. See, only him, he's dancing, his photo shoot. What is this group called? Dad's Kids, plus dad. <laughs> okay, fine. And uh, Khushi. Khushi. Uh, her calmness. खुशी भी डेब्यू कर रही है तो जाते जाते मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने मतलब एक तो आपने देख लिया है दौर राइट आई नॉ सिंग की करियर एडवाइस बट उनके साथ भी वो सारी चीज़ें होंगी ही बिकॉज अगेन वो भी फैमिली से बिलोंग करती है तो एक नज़रिया होगा प्रिविलेज के बारे में बातें होंगी बहुत कुछ होगा तो क्या आपने उनको प्रिपेयर करके रखा है वो आपको प्रिपेयर करती है टू तो फेस एवरीथिंग तो वो मुझे राय देती है वो मुझे एडवाइस देती है वो मुझे कंफर्ट करती है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं एंड आई डोंट थिंक शी सीक्स अदर पीपल्स अप्रूवल एज मच एज आई डिड आई थिंक एक अनहेल्दी चीज़ जो मैंने की थी मम्मा के बाद जो आई थिंक प्यार और एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन मुझे uh, मम्मा से चाहिए थी um, मेरे एक्टर बनने के बाद और फिर वो नहीं थी मैंने वो प्रेशर ऑडियंस पे डाल दिया था मैं वो उनसे ढूंढने लगी थी और जब उन्होंने थोड़ा सा ठुकराया मुझे जो झटका मिला आई थिंक इट इट शुक मी आप मोर देन इट शुड है